हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसली। जी मेरे भाइयों, ये आपने सुना, ये साहब क्या गेम क्या खेल रहे थे, जिस तरह के दोस्तों ने पहले भी दोस्तों के सामने खाकसार ने अर्ज किया कि किसी ने जनाब आपको अगर बदकलामी की, गालियां दी, हमने आप ये ट्विस्ट ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि गोया कोई जमात के बंदे इनको गालियां देते हैं, जमात इनको भेजती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख साहब, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि जमात आपके लिए स्पेशल बंदे तैयार करे जी। वैसे तो जमात की ये तालीम ही नहीं है कि जाके गालियां दो, ठीक है जी, लेकिन क्या कर रहे थे, ये गेम क्या खेल रहे थे? सवाल डॉक्टर साहब मैं जी जरी भाई, मैं जरा बात खत्म कर लूं फिर इंशाल्लाह। अच्छा, क्या बात, क्या वहां पे क्या कर रहे थे कि जी ये ट्विस्ट क्या कर देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो हमारे जनाब ये जो है ना जैतून एफएम की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क उस पर खड़ा हो गया है, उसको हम ट्विस्ट करते हैं और हम ट्विस्ट करके ये लेके आते हैं जनाब के जी वो हमें गालियां दी गई हैं। जनाब गालियां दी अगर किसी ने बहुत बुरा किया, लेकिन उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं, आप उसका जवाब दें। सवाल ये है जो कि आज मैं पूछ रहा हूं, जो भी हमारे अब लोग आएंगे हम इनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी उसूलों के मुताबिक, क्या किसी ज़हनी माजूर शख्स को बतौर मुद्दई पेश किया जा सकता है और उसकी गवाही काबिले कबूल होती है या नहीं? ठीक है जी, ये सवाल है। हमारे जो भी आज गैरमदी दोस्त आएंगे वो पहले इसका जवाब देंगे, फिर हम उनसे कोई और बात करेंगे। तो हमारे पास पहले ये ऐसे चौधरी साहब आए हैं। ऐसे चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी ऐसे चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। ऐसे चौधरी साहब, आप इस्लामी चैनल के ऊपर बैठ के आप गुफ्तगुएं करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस्लाम के मुताबिक एक ज़हनी मरीज शख्स जो है उसकी गवाही काबिले कबूल होती है या नहीं, उसको बतौर मुद्दई इस्लाम कबूल करता है या नहीं? आप आधी बात लोगों को बयान कर रहे हैं, वो मंगला साहब ने किया क्या है, वो थोड़ी सी तफसील बताएं जिसके बारे में आप इतराज कर रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज है। जी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। इस्लाम के मुताबिक ज़हनी, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़हनी जो मरीज हो वो उसको बतौर मुद्दई पेश किया जा सकता है और उसकी गवाही काबिले कबूल होती है या नहीं होती, ये बताएं। बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये जो आप लोग बैठे हैं ना, खास तौर पे जो कादियानी हजरात हैं, मैं समझता हूँ ना इनका कोई इस्लाम से तल्लक है ना कुरान से। जी ये जी वो ये मेरे सवाल का जवाब था जी। ज़िया रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब जाया साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जनाब, कैसे मिजाज हैं? आप बताएंगे कि आपको मेरा ख्याल इस्लाम का काफी पता है, इस्लामी जो जो निजाम अदालत है उसके मुताबिक जो ज़हनी मरीज हो वो मुद्दई हो सकता है या उसकी गवाही काबिले कबूल होती है? ये मैंने जो पढ़ा हुआ है वो ज़हनी मजदूर के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ा हुआ है कि उसको मसीह मौत जरूर मान। अच्छा देखे जी, ये इसीलिए मैं लोगों को ये नहीं ले रहा था, इनकी ये इनकी हालतें होती हैं जो एक आम सादा। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो ये बंदा जो अभी पहले भी आया सगीर नाम का, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो फतेह साहब भाई मैं एक छोटी सी बात करूंगा। पहले सवाल तो असल ये साहब आप जवाब लेते नहीं है, फिर कहते हैं जी। एक मिनट फतेह साहब भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? फतेह साहब भाई जनी भाई, बात ये है, मेरी बात सुने,
ये जो साहिबान आए हैं ना, ये इनको असल में तकलीफ ये हो रही है कि इनके जो एक है ना पेटी भाई, उनके जिन्होंने चैनल खुद डॉक्टर साहब जिन्होंने खुद इनको बड़ी बुरी तरह एक्सपोज किया है, मैं जानता हूँ, उसके ऊपर वीडियोस बनी उनके चैनल पे अभी भी जी मौजूद है। यार मैं चूंकि जो पहली बात की है ना आपने, और उसके जवाब में जो ये सगीर चौधरी ने बात की है, जी मेरे हिसाब से तो आपका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आप इस्लाम को मानते हैं ना आप कुरान को मानते हैं, तो इससे जवाब पे मैं सगीर चौधरी से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जी पास इस वक्त जो है वो शेख उल इस्लाम हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब दामत बरकात आलिया कनाडा से मौजूद है, जो कि मुफ्ती आजम है। तो मैं इनकी बारगाह में सवाल पेश करता हूँ कि इनके नज़दीक जो है वो इस्लाम क्या चीज़ है, एक मुसलमान की तारीफ क्या है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुबान से निकली है, वो इस्लाम की तारीफ मुसलमान की तारीफ क्या है, वो ये बयान फरमा दे जिससे हमें पता लगे कि जो उन्होंने कह दिया कि इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, तो पता लगेगी किस तरह हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो ये सवाल मैंने इस सगीर चौधरी साहब से मुफ्ती आजम अमेरिका कनाडा से किया है। अगरचे वो हमारे मौजू का नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने बात हल्की सी शुरू कर दी थी, इसका जवाब यह है। एक मिनट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये नहीं नहीं आपको आपको इंटरप्शन की इजाजत नहीं है, आपसे पहले ये बंदा मौजूद था, इसने सवाल किया, आपको इंटरप्शन की इजाजत बाद में होगी। जो आपने कहा ना जिसका जहनी तवाजन दुरुस्त है उसका मसीह मत मान लेते हैं, मैं इस पर भी आपके पास आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हम यहीं पे बैठे हैं, बड़ी अरसे बाद आप लोग आए हैं और आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा अगर आप बदजुबानी बदकलामी नहीं करेंगे। तो पहला सवाल चूंकि सगीर चौधरी से था इसलिए गुजारिश है, अब डॉक्टर साहब ये बात आपने बयान सुनाई, चूंकि ये हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है, हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि बात इररिलेवेंट की है और अपने जान छुड़ाने के लिए ये बात हमारे ऊपर वो इल्जाम थोपा है, तो इसलिए मैंने चूंकि ये सगीर चौधरी से बात की है, तो सगीर चौधरी साहब माजद के साथ के मुफ्ती आजम कैनेडा दामत बरकात मौलाया क्या फरमाएंगे आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान की तारीफ बयान की है कुरान करीम से बयान कर दें, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बयान फरमा दें, चू चना चनाचे अगरचे मगरचे नहीं करना वो बयान कर दें, शुक्रिया। जी जी मैं हाजिर हूँ जनाब, आपने बड़ा लंबा चौड़ा मेरा नाम लिया, मुझे तो ये समझ भी नहीं आई, तो मेरे मुझे भी हक है कि मैं भी नाम ले लूँ। तो मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जनाब जरी साहब जो मरीद हैं मौलाना, इनको मौलाना तो नहीं कहना चाहिए, लौंडेबाज मिर्जे। जी जी मेरे जरी भाई, ये चूंकि आपको अंदाजा ही है कि ये किस तरह की गंदी जुबान के लोग हैं, इनकी जुबान से यही निकलना था, इसलिए मैं पशो पेश से काम ले रहा था। ये आपने अब उनको छोड़े, उनका जो हालत है वो लोगों ने देख ली है, अब आपने अगर जिया रसूल साहब से कोई बात करनी है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, वो जाहिर सी बात है जो जिसके अंदर जो चीज़ हो वही निकल रही है, उसने अपने अंदर का गंद निकाला है। अच्छा ये बात बयान कर रहे हैं ये ज़ियार रसूल अमीनी ने, सबसे पहली बात तो ये की कि जो बंदा जहनी मरीज हो उसको मसीह मौत मान लेते हैं, ये बात बयान कर रहे हैं। तो ये जो बरेलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं उनके बारे में भी अक्सर लोग ये बात बयान करते हैं, खासकर देवबंदी तबकों के लोग भी और दूसरे भी, कि वो जहनी मरीज थे, उनको दिमागी आर्जा भी था, उनको कुछ मसले थे, तो क्या इन लोगों ने उनका भी मसीह मौत मान लिया, क्योंकि ये कह रहे हैं ना तारीख बयान की आपने, चूंकि वो बात बयान की कि जो बंदा जेन महफूज होता है। जरी साहब मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी मैंने आपसे पूछा है। जी जनाब अगर आपको किसी ने बताया है कि अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो जेनी मरीज थे या उनको कोई जेनी बीमारी थी, आप उनको भी मसीह मौत मान लें, आपको मना किसने किया? ये तशरीह आपने बयान की है, एक पर्सन है, ये तशरीह आपने बयान किया कि मेरे हिसाब से जो बंदा जेनी मरीज हो उसे मसीह मौत मानते हैं, तो इस हिसाब से जेनी मरीज तो अहमद रजा खान बरेलवी को भी कहते हैं, तो आपके नजदीक तो फिर वो भी मसीह मौत हो जाएंगे, क्योंकि ये तशरीह तो आपने बयान की, ये तारीफ तो आपने वजह किया ना, तो इस तारीफ के हिसाब से आपने अपने अहमद रज़ा खान बरेली जो मुजद्दिद हैं उनको जिंदी मरीज मान लिया। अच्छा जी बिल्कुल यार, पहले तो याया साहब ये तय कर लेना कि आपने मेरा माइक ही म्यूट करते रहना है, बार 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 आधी बात होती है, मैंने कोई गाली दी है आपको? बताएं को गाली दी है, को बदकलामी की है, को आपके मिर्जा साहब को गाली दी है, आपके खलीफा साहब को गाली दी, आप में हौसला ही नहीं है 2 मिनट बात सुनने का? अच्छा चले, मैंने कहा उसको मसीह मौत मान लेते हैं, इसमें कौन सी मैंने गाली दी है? तो आपने मान लिया फिर अहमद रजा खान बरेली को मसीह मौत मान लिया? भाई हमारा तो ये है, हम तो नहीं मानते, तशरीह तो आपने किया ना, तशरीह तो तुमने, जो भी बंदा जेनी मरीज को मसीह मौत मान लेते हो तुम मानो। अच्छा जो बंदा, एक मिनट जो बंदा जेनी मरीज हो, एक मिनट सुन, आपने कहा जी जो बंदा भी जेनी मरीज हो उसको तुम मसीह मौत मान लेते हो,
यानी इसके हिसाब से फिर हमें तो तकरीबन कोई हजारों लाखों करोड़ों को मसीह मौत, और अहमद खान को भी मानना चाहिए, हम जहनी मरीज को मसीह मौत नहीं मानते और ना ही जहनी मसीह जहनी मरीज को हम मुजद्दिद मानते हैं, इसलिए अहमद रजा खान की हमने छुट्टी कराई हुई है, बाकी मुजद्दीन की छुट्टी कराई। ये तशरी तुमने वजह किया है और तुमने ये बात बयान की है कि आपने जब डॉक्टर साहब सवाल किया ना कि जो जहनी मरीज हो इस्लामी शरीयत में क्या उसकी गवाही काबिल कबूल होगी, तो उसके जवाब में इस बरेलवी ने धोखा देते हुए ये दगाबाजी करते हुए ये बात बयान की है कि जी मेरे हिसाब से जो बंदा जहनी मरीज हो उसको मसीह मौत बना लेते हैं, इसने असल में चक्करबाजी की है, तो चक्करबाजी करके खुद बड़ी बुरी तरह फंसा है। तो इस हिसाब से जो लोग अहमद रजा खान बरेलवी को जहनी मरीज कहते हैं तो उस हिसाब से इनको फिर मसीह मौत मान लेना चाहिए, अपने इमाम को, अपने मुजद्दिद को। और अपने मुजद्दिद के बारे में जिसने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी जिली नबी माना है और खत्म नबूत के दाई बने हुए कि हम बड़े खत्म नबूत के मजाहिद हैं, उस बंदे ने मैं आज फिर चूंकि ये बरेलवी आया हुआ है मैं फिर आज डंके की चोट पर यहाँ पे कहता हूँ, मैं पुकारता चीखता पुकारता गया हूँ कि मुझे कोई बरेलवी दुनियाए बरेलवीत को चैलेंज है कि कोई बरेलवी आके कोई बरेलवी बरेली शरीफ से आ जाए वो अल हजरत के फतावा रिजविया से उसकी जुमला किताबों से ये साबित करते हैं कि इस वक्त रूए जमीन पर जो मौजूदा जमाना है सिवाय बरेलवियों के कोई और बंदा मुसलमान है अगर कोई बंदा से साबित कर दे उस बंदे को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये तो हो गया टॉपिक से अलग बात, लेकिन जो टॉपिक चल रहा था उसके हवाले से ये बात गुफ्तगु मैंने बात कर दी है कि इस हिसाब से फिर अहमद रजा खान बरेलवी को इन लोगों को मसीह मौत मान लेनी चाहिए। जी भाई बात सिर्फ अहमद रजा बरेलवी साहब मुझे बात करने देनी है कि मैं जाऊं। जी अच्छा ज़िया रसूल साहब एक बात मैं एक मुझे ये बताएं क्या आपके इलम में है, यही तो मसला है, हम आपको बार बार कहते हैं आपको पता ही नहीं है कि जो बैनर मजाहिब जो इतराजात होते हैं उनकी असलियत क्या है। ज़िया रसूल साहब आप बता दें आपको पता है बहुत ज्यादा। जी ज़िया रसूल साहब क्या आपको पता है के जो मुनकरीन और जो इस्लाम जो मुस्तशरिकीन हैं वो हमारे सारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही बात साबित करने की कोशिश किया करते हैं कि गोया आपका नौजबिल्ला माजल्ला कोई जहनी कोई खराबी थी इसलिए आपको वही इल्हाम वगैरह शुरू हो गए और वो उसमें बुखारी की जाया साहब इस इल्जाम का सबूत पेश करें। जी मैं आपको पेश कर दूंगा। मैं पहले ये बताएं कि आपको इस बात का इल्म है या नहीं, आपको इस बात का इल्म है कि ये कादियानियों की घड़ी हुई सब बकवास आता है। आप यहाँ हैं अगर ये प्यारे भाइयों ये साहिब हैं इन लोगों की इल्मियत का ये हाल है कि इनको ये पता ही नहीं है कि इस्लाम के ऊपर एतराजात क्या होते हैं, इनको इनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन जैसे जो मुनकर लोग हैं वो किस तरह के घटिया एतराज करते हैं। याया साहब आप यहाँ सबूत पेश करें ना, झूठ बोली जा रहे हैं आप। जी मैं आपका सबूत पेश कर देता हूँ जनाब। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये सबूत पेश कर दिया गया तो फिर आप इसके ऊपर माजरत करेंगे? किस चीज के ऊपर माजरत करूं कि आपने ये जो बात की है आपने ये तमाशा आपने बनाया हुआ है इस्लाम पे एतराज करते हैं इस्लाम पे एतराज करते हैं यहाँ बैठे हुए जो मिर्जा साहब को मानना है कभी आज तक उसका जवाब दिया आपने मिर्जा साहब का? मैंने जो बात की है पहले कि फतावा रिजविया से को बंदा ये साबित कर दे कि जनाब आपके वो किसी ने मुसलमान माना है, एक तो इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है, दूसरा इस बात से काफी और खासी तकलीफ पहुंची कि जो तशरीह खुद की है कि एक बंदा ज़ईफ़ुल दिमाग हो वो बंदा पागल हो उस बंदे को ये मसीह मौत मानते हैं इस लोगों के मुताबिक, तो अहमद रज़ा खान को मसीह मौत मानना चाहिए। जब ये बात इनके ऊपर दाग गया तो इसको बड़ी सख्त किस्म की तकलीफ लगी है। और दूसरा ये भूल चुका है कि कुरान पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का क्या कहते रहे हैं, कुरान ने क्या कहा, वो कहते हैं कि हाज़ा मजनून माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, ये तो पागल है, मजनून किसे कहते हैं? और वो मजनून क्यों कहा करते थे? वो मजनून इसलिए कहा करते थे कि ये बंदा माजल्ला सुम्मा माजल्ला अस्तगफिरुल्ला नकले कुफर कुफर ना बशर, कि ये बंदा चूंकि दिमागी मरीज है ये खुद अपने तरफ से ये बातें बयान कर रहा है कि खुदा ने मुझे कही है, इसको कुरान की बुनियादी तालीमात की नहीं पता। इस बंदे को ये बंदा कहता है ये आप तो मिर्जा साहब की वो दिफा ही नहीं करने आते। डॉक्टर साहब मुझे आप बताएं जितने प्रोग्राम हमने लाइव किए हैं कि हम रूहानी खजान का नाम लेते हुए डरते हैं, इसकी वेबसाइट पर जाएं, इसके जो खत्म नबूत वेबसाइट है इनके चैनल पे जाएं, मुझे दिखाएं एक वीडियो भी फतावा रिजविया के जवाब में बनाई हो। मैंने इनको फतावा चैलेंज दिया, मैं इनको इनके बड़े लोगों को चैलेंज दिया था कि मैं रूहानी खजान खोलता हूं या फतावा रिजविया खोले, आज मैदान में हम खोलेंगे अपने मसीह सलाम के फतावा जवाब।
निकाले, फतवे निकाले, दिखाए आवाम को। ये मुनाफकत की चादर, मुनाफकत का चेहरा जो आवाम को दिखाते हैं और हमेशा बदजुबानी, बदकलामी और बदतमीजी करते सिर्फ इसलिए हैं ताकि आवाम को हम ये तासुर दें कि देखे जी हम तो कादियानी कुछ स्ट्रीम में गए थे, उन्होंने हमें निकाल दिया। और जाहिर सी बात है जब तुम किसी के घर जाओगे और तुम उसके घर तक उसको निकालिए निकालोगे तो वो तुम्हें फूलों की हार पहनाएगा। ऐसे काम तो मजारे पे होते हैं, वहां पे जाके करो, उनको गालियां दो, नंगी गालियां निकालो, वो तो तुम्हें सीने से लगाएंगे। बाकी ऐसा अल्लाह ताला के फजल करम से जमाते हमदे के प्लेटफॉर्म पर नहीं होता, और ये है भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म। हम ऐसा रवैया नहीं रखते, हम ऐसा तरीक नहीं अपनाते कि एक बंदा बदजुबानी करे, बकवास करे, बेगैरती करे और उसको कहें कि ठीक है जी तुम बोलते रहो। ऐसी दीनी गैरतें आप लोगों को कबूल हो, हमें नहीं कबूल। हम ऐसी दीनी गैरत नहीं रखते कि जिसमें तुम लोगों के अपने यकीन करें। डॉक्टर साहब मैं कहता हूं कि मैंने कितनी वीडियो बनाई है फतावे रिजविया की जिंदों को खंगाला है, किसी बरेलवी में जरूरत नहीं हुई कि वो आके उस तहरीर का दिफा करे। हम पूरे पूरे मुनाजरे करते हैं फतावे रिजविया पे, वो अपनी रूहानी खनन पे करते हैं। उस दिन आपका मुनाजरा इसी से था जिसमें इसने तहरीर पेश की थी डॉक्टर जायद को, ईसा अलैहिस्सलाम को या इस्लाम को हसूर का और ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कहा। आपसी मुनाजरा था ना इसका, वो किसकी तहरीर, वो किसकी तहरीर पर मुनाजरा हो रहा था? मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीर पर हो रहा था। इससे पूछे कभी इसने फतावे रिजविया की तहरीर पर आकर मुनाजरा रखी है? डंके की चोट पे कहते हैं हम इसको, आज निकाल ले खत्म नबूत की तरजात निकाल ले, बानी जमात हम देखी अभी इसी वक्त, कल जाने की जरूरत नहीं है, टाइम लेने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वक्त तय करो, ये करो, आज अभी इसी वक्त कर लेते हैं। इसे पूछे इसमें जरूरत है, ये लाइव बैठा बताए क्या तुम्हें ये मौजूद है? जरीला साहब मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। पहली बात तो ये है आप यहाँ बड़ा चीख चीख के कह रहे हैं फतावा रिजविया पे बात नहीं करते, पता नहीं करंट लगा हुआ है। वो भाई हम उनको नबी मानते हैं, वो एक आदमी थे, वो आपने जिम्मेदार आप है हम नहीं है। आप तो मिर्जा एक मिनट इंटरप्ट नहीं करना, मुझे बात करने दे, आपने बोलो बोलो बोलो, मुझे करने दे, मैंने आपका चैलेंज कबूल किया, मुझे करने दे बात, हौसला रखें। अब हम अहमद रजा बरेलवी को नबी नहीं मानते, उनकी बात दीन में हुज्जत ही नहीं है। आप तो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, फतावा रिजविया पे नहीं बात भाई करें क्यों, जरूरत ही नहीं है हमें। आप जो मर्जी कहते रहे, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। रूहानी खजान पहली जिल्द से खोलेंगे, फतावा रिजविया पहली जिल्द से खोलेंगे, जितने दिन मर्जी करो मुनाजरा मुझे कबूल है, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे करूंगा। आ जाओ अगर है हिम्मत, और अब अगर भागे तो फिर सारी दुनिया जान जाएगी कि कितना तुम्हारे तिलों में तेल है। और ऐसे ड्रामे लगाए रखे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ तुम लोगों ने। ये तुम्हारे चैनल पे आके मैंने चैलेंज कबूल किया है, अभी खोलो फतावा रिजविया, अभी मैं खोलता हूँ रूहानी खजान, आ जाओ। अजीब ड्रामा लगाया हुआ, बात करते हैं बात करते हैं, पता नहीं कब की है बात ख्वाबों में। जी जी खोले फतावा रिजविया, खोले मैं रूहानी खजान खोलता हूँ। वो हमारे लिए तो हुज्जत नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब सबसे पहली बात क्या है, राह फरार, अपने इमाम की तहरीर से, अपने इमाम को हुज्जत मानने से राह फरार इस चीज को इख्तियार करते हैं ये। इन लोगों का इसका इतना भी इल्म इसको नहीं है कि मैं अपने इमाम को मानता क्या हूँ। मुझे कोई बंदा, कोई बरेलवी जो ऑथेंटिक आलिम हो, ये तो बेचारे को पढ़ना भी नहीं आता, कोई ऑथेंटिक बंदा हो जो आके ये बात बयान करे और वो कहे कि एक बंदा अपने अहमद रज़ा खान बरेलवी को मुजद्दिद और इमाम मानता हो और ये कहे कि मैं फतावे रिजविया के बिना ईमान मेरा मुकम्मल है, वो बंदा तो मुनाफिक है। मैंने डॉक्टर साहब जब इस बंदे ने मुझे आज से तकरीबन सवा साल पहले मैसेज किया, उस मैसेज पे मैंने से पूछा, मैंने कहा हम तो रूहानी खजान का दिफा करते हैं, तुम फतावे रिजविया का दिफा क्यों नहीं करते? तो मुझे जवाब में ये दिया गया कि हमारा ईमान फतावे रिजविया के बिना मुकम्मल है। मैंने जब ये स्क्रीनशॉट लिया और इनके जो इलामा है, इनके जो मुफ्ती हैं, मैं नाम अभी आन रिकॉर्ड नहीं बयान करता, मैंने उससे पूछा कि अगर एक बंदा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी को अपना इमाम मानता हो, अपना मुजद्दिद मानता हो, अपना रहनुमा रहबर मानता हो और ये कहता हो कि वो सही आलिम थे, आलिम दीन थे और अपना रहनुमा मानता हो, और फिर वो ये बात बयान करे कि कोई बंदा अहमद रज़ा खान बरेली की किताबों को हुज्जत नहीं मानता, उसको माने बिना उसका ईमान मुकम्मल है, तो क्या वो बरेलवी कहलाएगा, अहल सुन्नत व जमात कहलाएगा? तो उस बंदे का रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस बंदे ने कहा था ऐसा बंदा बरेलियों में मुनाफिक कहलाएगा, ये बंदा बरेलवी हो ही नहीं सकता। जो एक तरफ तो ये कहे कि मैं हजरत का मानने वाला हूँ और दूसरी तरफ फिर ये कहे कि मेरा ईमान फतावे रिजविया के बिना मुकम्मल है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मेरे अकाबरीन का फतवा क्या है। दूसरा, अल हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने यह बात बयान की, मरने से पहले यह बात बयान की थी, उसने लिखा था कि सब शरीयतों में सबसे शरीयत अफजल जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उसमें मेरा हुक्म मानना फर्ज तुम लोगों पे, ये बात बयान किया हजरत ने, इनकार कर दो, कहो कि नहीं की बात यह बयान। और क्या दीन में, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप लोगों के यहाँ हुज्जत सिर्फ आप
कुरान और हदीस को मानते हैं कि आप अपने बुजुर्गान को हुज्जत नहीं मानते, आपके उलामे आपके मुफ्तियान आपके बड़े बड़े जो है मुनाजरीन वो तो मुनाजरे करते हैं फतवा रिजवी के तजियात पे, जब हुज्जत नहीं मानते तो तशरीह मुनाजरे करने की जरूरत नहीं क्या है। जिस बंदे को बुनियादी तालीम के नहीं पता उस बंदे ने क्या बात करनी है। अगर मुझे आज अभी यही बात साबित कर दे मैं यकीन करे डंके की चोट पे इस बंदे को जो ये इनाम कहेगा वो इनाम देने को तैयार होकर ये कहे कि तुम अहमदियत को छोड़ दो, बकौल इसके कि तुम कादियन को छोड़ दो मैं वो छोड़ने को तैयार हूं। अगर मुझे ये साबित करे कि फतवा रिजविया में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी जो के कुफर की फैक्ट्री की मशीन थी उस बंदे ने चुन चुन के लोगों के ऊपर कुफर के फतवे लगाया, पहले चुन चुन के लोगों को वापी बनाया फिर चुन चुन के उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाया। मैं कहता हूं कि जितने शतमत से फतवे वाबियों पे देवबंदियों पे शियों पर लगे हैं उतने शतमत से अहमदी पर नहीं लगे। इसकी किताब से फतावरी से साबित कर दे कि आला हजरत के नजदीक इस वक्त मौजूदा जमाने में जो लोग मौजूद है बरेलवियों के अलावा जो बंदा मुसलमान है अगर है तो साबित करे। जी ठीक है जी जरी भाई बात यह है साहब वो चैलेंज किधर गया अब आप दूसरी तरफ चल पड़े हैं और आपको खुद नहीं समझ आ रही कहना क्या। इतनी शादम आदत से फतवे लगे हैं तो रोना तो उनको चाहिए वहाबियों को और शियों को, आप क्यों रोते फिर रहे हैं हमें जी काफर करार दे दिया हमें ये कर दिया। लेकिन खैर छोड़े आप मुझे बताएं रूहानी खजान पे करनी है बात, खोले फतावा रिजविया जी मैंने खोल लिया पहले जल्द करें शेयर करूँ शुरू करें जरी साहब अभी ज़ियारसूल साहब एक मिनट आपने अभी ये फरमाया था कि आपके इलम में नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये बातें हैं मुस्तशरक करते हैं कि गोया वो मजनून थे आपका नौज़ुबिल्लाह दिमागी तौर पे ठीक नहीं थे, आपको नहीं पता ना इस बात का आप कह रहे थे। मैं दिखाऊं आपको ये दिखा दें जो दिखाना है आप दिखा दें, मैं तो जरी साहब का वेट कर रहा हूं। मैंने बड़ी ही कराहत के साथ दिखा हुआ है, एक मिनट ठहरिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप जैसे ही है भाई साहब मुनकर लोग है, ये हमारे जैसे नहीं है ये आप जैसे हैं जैसे मिर्जा साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब इससे ये भी पूछ लें कि ये जो अभी इसने बकवास की थी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी करेगा। तमीज से बात कर जी तुमने तमीज से की है मैं जानता हूँ तुझे मुबारक भाई यार मेरा। अच्छा मैंने मुबारक भाई को मुझे रिमूव करना पड़ा है। मुबारक भाई हमारे जो चैनल पे हमने आराम से बात करनी होती है मेरे भाई। अच्छा जी ये मैं जो वीडियो ये है जनाब आपको वीडियो नजर आ रही है मोहतरम ये वहां पे मौजूद है इंडिया चले गए यार सुन साहब मौजूद है डॉक्टर साहब ये वीडियो कॉपीराइट तो नहीं है। नहीं नहीं मैं दिखा मैं चला नहीं रहा मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके जी ये ज़िया रसूल साहब ये जरा बताएं पढ़े ये फ्रेंडली एक्स मुस्लिम के नाम से कोई चैनल है ये जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है बास प्रॉपर्टी ये आपके मर्ज़ियों ने लिख के दिया होगा इसको ये देखें जी सारे मर्ज़ी मुल्हद सारे जिस तरह चले पढ़ दें भाई वही काम आप कर रहे हैं। ज़िया रसूल साहब पढ़ दें सिर्फ क्या डॉक्टर साहब इस बंदे ने एक डॉक्टर साहब चूंकि आपकी बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपने ये बात बयान फरमाई थी कि ये इल्जाम ये चीजें मुखालफीन इस्लाम भी लगाते हैं। अब चूंकि आपने दावा किया था उसने कहा था कि आप इस दावे पर दलील दें जब आपने ये दलील दी है और मैं कहता हूँ कि ये मुंह पर जोरदार तमाचे अल्लाह ताला के फजल करम से कि आपने फौरन तहरीर दी है अल्लाह ताला के फजल करम से लोग देख भी रहे हैं वो आपने फौरन हवाला दिखाया कि ये देखो और पढ़ो। इसने उसके जवाब में ये इल्जाम लगा दिया कि ये तुम्हारे ही मर्दियों ने ये तहरीर बनाई है। आप अगर इस बंदे में हिम्मत तो सख्त है अगर ये हलाल कुनूत है मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि अगर ये बंदा है और ये साबित करे कि ये बिल्कुल इस रिया जिस मैंने बात बयान की तो ये बात जो इसने इल्जाम लगाया साबित कर दे हम फिर भी इसको मुंह मांगा इनाम देंगे ले जनाब बिल्कुल। अच्छा जी चले अच्छा जया साहब ये अभी ये मिर्जा साहब वाली जबान यूज करनी शुरू कर दी वो भी कहते थे नहीं नहीं ये पता है कौन सी जबान यूज हो रही है ये आल हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी की जबान यूज हो रही है जो मैं अब डॉक्टर साहब अब चूंकि इसने ये बात बयान की है मैं काफी देर से वेट कर रहा था इसने वो जुबान इस्तेमाल किया ये वो जुबान है जो आल हजरत बरेलवी अहमद रज़ा खान बरेली 4 साल की उम्र में तवाइफों के सामने कुर्ता उठाकर नंगा हो जाया करता था ये उस जुबान इस बंदे की जुबान है जो कहता था कि तुझसे कुत्ते हजार बेहतर है उस बंदे की जुबान है जो कहता था कि मेरे पुत्र है मेरे बच्चे दो पुत्र जो है अल नसल के दो कुत्ते ने उनको अलग से कुत्ते कहा करता था और ये उस बंदे की जुबान है जो ये कहा डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात आखिरी बात करके मैं बात खत्म करता हूँ ये उस बंदे की जुबान है जो ये कहा करता था कि अगर तुम्हारी मस्जिद में कोई देवबंदी कोई वहाबी आ जाए तो उसको धक्के मार के निकालो उसको मस्जिद में घुसने का कोई हक नहीं है अगर वो धक्के से बने तो उसके साथ लड़ाई करो
वो अगर मर जाए तो तुम उसके जनाजे में जाओ, अगर वो मर जाए तो उसको मुसलमानों से कफन न दो, ये उस बंदे की जुबान इस्तेमाल हो रही है। जो बंदा हर दौर में शुरू दिन से लेकर आखिरी वक्त तक हुसामुल अरमान किताब छपने तक उस बंदे ने जो मक्का के उलमा थे, मदीना के उलमा थे, उस बंदे को धोखा दिया। उस किताब जो तहजीब-ए-नाज किताब थी उसमें डंडी मार के आवाम के सामने पेश किया, उस बंदे की जुबान इस्तेमाल हो रही है। आपने कभी पढ़े नहीं है फतावा रिजविया? पता क्या हो, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मेरे इमाम की बात मेरे लिए हुज्जत है भी या नहीं है, जिस इमाम की बात मेरे लिए हुज्जत का दर्जा रखती है नहीं रखती, उस बंदे ने बात करनी है। पहले अपना बरेलवी होना तो साबित करे। एक तरफ तो रहमतुल्लाह अलैह कह दिया और साथ ये भी कह दिया जी मैं इस तरह का बंदा हूं, मैं तो बरेलवी हूं, मैं ये हूं। उस बंदे को ये नहीं बुनियादी पता, उस बंदे ने अपना मतलब ये लिखी है, उसकी ये वसीयत मौजूद है, हवाला के मैं देने को तैयार हूं कि मेरी बातों पर ईमान लाना तुम लोगों पर फर्ज है, ये बरेलवी उम्मत को कहा गया है। और मैं डॉक्टर साहब ये बात डंके की चोट पे कहता हूं कि जिस तरह ये इल्जाम लगाते हैं जमाती आमते पे, बिल्कुल सेम इसी तरह के इल्जाम लगे हैं बरेली पे, और उसके ऊपर भी मुद्दे नबूत का इल्जाम मौजूद है जो कि देवबंदी ने लगाया है। क्या अहमद रजा खान बरेली ने अपने मतलब ये बात नहीं बयान की कि मैं खुदा का तलमीज हूँ? खुदा का तलमीज होने से क्या मुराद है कि मैं खुदा का शागिर्द हूँ? खुदा के शागिर्द होने से क्या मुराद है? कुरान कहता है इत्तकुल्लाह वयुल्लिमुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें खुद सिखा देगा। खुदा किस तरह सिखाते हैं इंसान को? डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी अड़िए से पूछते हैं, खुदा किस तरह सिखाता है? खुदा इलाम के जरिए सिखाता है? खुदा वही के जरिए सिखाता है? खुदा ख्वाब के जरिए सिखाता है? तो ये तो दावे इन लोगों के मौजूद है, और इन लोगों के दावे की वजह से, इन लोगों की अकायद नजरियात की वजह से इसके ऊपर फतवा, इसके ऊपर जनाब इल्जाम मौजूद है कि ये बंदा भी मुद्दई नबूवत है। इस बंदे ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जिल्ली तौर पर नबी लिखा है कि वह जिल्ली तौर पर मर्तबा नबूवत पर फायद है। ये बंदा कहते हैं बरेलवी, सारे बड़े शौक से कहते हैं, और ये वो बरेलवी है डॉक्टर साहब जिनके घर में कोई वक्त नहीं है कि हम खत्म नबूवत पर इकट्ठे हैं, हमारा खत्म नबूवत पर इजमा है। इनके बुजुर्गान ये कहते हैं कि खत्म नबूवत पर कोई इजमा नहीं है। ये चबल किस्म के कारकुनान जो ये कहते हैं खत्म नबूवत पर इजमा है, खत्म नबूवत पर इजमा नहीं है। काली जरब लगाई है हुसामुल अरमान में, ये ताजुलनास में जनाब मौलाना कासिम नानुतवी ने, कोई बंदा साबित कर दे। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा ये भी साबित कर दे के खत्म नबूवत पर इजमा है देवबंदियों का, बरेलवियों का और वहाबियों का, अगर ये बात भी कोई साबित कर दे डॉक्टर साहब अल्लाह ताला की इज्जत और जलाल की कसम खाकर मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे को मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा पाकिस्तानी सिकर रेल वक्त, अगर कोई बंदा ये भी साबित करे, और ये बंदा ये साबित कर दे और कहे कि वाकई मेरे इमाम की बात मेरे लिए हुज्जत है, मैं अपने इमाम की बात को हुज्जत मानता हूँ और मेरे इमाम की बात मानना मुझ पर फर्ज है। ये बंदा बात बयान करे जो चैलेंज दिया हुआ कि फतावा रिजविया बात करो रोहानी, मैं वो बात करने को भी तैयार हूँ। रूहानी खलन मैं खोलूंगा, फतावा रिजविया वो खोलेगा, दिखा देंगे आवाम को कुछ में क्या लिखा है। अब ये एक ट्रेलर था डॉक्टर साहब, अगर इसने दोबारा पर जुबानी की और इस तरह की जुबान इस्तेमाल की तो इससे सख्त जुमला इसको सुनना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह जरी भाई, बात ये है दोस्तों कि मैंने, मुझे पहले वो चौधरी साहब ना नीचे नजर आ गए थे, ज़िया रसूल तो खैर बाद में मैंने भी देखा ही नहीं था। चूंकि हमें लोगों का शुरू से पता है, जब इनको पता चल जाए ना कि ये फंस गए हैं, इनका कोई चैनल फंस गया, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैंने खुद उनको जानबूझ के स्टूडियो में नहीं लिया था। उसकी वजह यह है, आप कभी भी इनसे जो है जो आप सवाल कहेंगे, ये इसका जवाब कभी भी डायरेक्टली नहीं देते। ये कभी इनको वो जिस तरह क्या कहे बंदा, फिर मैं कहूँगा फिर इनको बुरा लगेगा, लेकिन इसीलिए मैंने इनको स्टूडियो में नहीं लिया था, आप लोगों ने लिया। इनकी कोशिश ये है कि जो हमारा असल मौजू है उससे हम इधर उधर चले जाए, जो बात होनी थी मौजू से इधर उधर थोड़े से हटे हैं, चले चल अब वापस चलते हैं मौजू की तरफ। किसी और भाई ने कुछ कहना है इससे पहले कि मैं वो वीडियो को आगे लेके चलूं? जी डॉक्टर साहब जी, शुक्रिया आपने मौका दिया है। मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सिर्फ लोगों के लिए, अपने जो हमारे सामीन है उनके लिए, अगर आप ये स्क्रीन शेयर कर दें। अल्लाह ताला कहता है कुरान करीम में कि तुम अल्लाह की बात के बाद किस बात पे ईमान लाओगे। खुदा ताला ने कुरान करीम में ये कहा कि कुफार मक्का ने यूं कहा कि ऐ वो शख्स जिस पर ये कुरान नाजिल किया गया है तुम मजनून हो। कहते हैं हिस्ट्री से दिखाएं, कुरान से बेहतर कोई तारीख बयान करने वाली चीज किताब है। और यही बात आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि ये जामिया तिर्मिज़ी के अंदर भी यही रवायत मौजूद है कि जब नमाज पढ़ा करते थे तो लोग गिर पड़ते थे और बहुत से लोग खड़े खड़े नमाज में भूख के सबब से, और वो अस्हाबे सफा थे, यहां तक के अराब कहते कि
कि ये मजनून है। अब ये इल्ज़ाम तारीखी तौर पे भी और कुतुब से लगाया जाता है, मुखालफीन इस्लाम की तरफ से लगाया जाता है। इसी के जवाब में तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये इल्ज़ाम जो ये लगा रहे हैं, ये तुम पहले बंदे नहीं हो के लगाने वाले, तुमसे वही कुछ कहा जा लीजिए भी कही गई। खुदा करना चाहिए कि कुरान करीम के वजूद और तारीख को जानने के बावजूद बर्मला तौर पे ये बात बयान कर दी जाए कि नहीं जी ये इल्जाम ही नहीं लगा। वो तो लगाते ही लगाते हैं, कुरान ने कहा ये इल्जाम लगे, तो कुरान की आयात के बाद ये बंदे किस मान लेंगे। नहीं जी, मैं एक मिनट ना, ये ज़ियार सूल साहब से ये मेरा ख्याल आखिरी डॉक्टर साहब एक हवाला मैंने दिखाना है, उसके बाद फिर मैं बात से जो मैंने बात बयान की थी उस बात का मैंने हवाला दिखाना है, माजरत के साथ जो बात चल रही थी उस पे एक हवाला दिखाना चाह रहा हूं मैं। जी जी दिखाएं जी। जज़ाकअल्लाह। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ डॉक्टर साहब, जो ये आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं जी, हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हम हुज्जत नहीं मानते। ये मेरे सामने मौजूद है अशरफ तफसीर, यानी तफसीरों से अशरफ तफसीर है ये। कौन सी तफसीर है? नईमी पारा। ये तफसीर लिखा है साहबजादा मुफ्ती इकदर अहमद खान नईमी। ये नीचे सारा इसका तफसीर सारा मौजूद है, मुफ्ती अहमद यार खान रोड चौक पाकिस्तान गुजरात। इसमें चलते हैं जनाब हम, ये आपके सामने मौजूद है, लिखा हुआ है अहमद अल्लाह खान बरेलवी के नस्बत ये बात मौजूद है। वो लिखता है और मेरा दीन व मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है, इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है, हर फर्ज से अहम फर्ज है। एक तरफ ये तारीख मौजूद हो तो दूसरी तरफ बंदा ये कैसे कह सकता है हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है? इसे कहते हैं कि ये अपने बुजुर्गों की तारीख से भागते हैं, ये नहीं आते। क्या डॉक्टर साहब इनकार नहीं किया अपने बुजुर्गों से? हम ये कहते हैं बानवी जमात अहमदी हजरत तक्दस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताबें हमारे लिए हुज्जत है, हुज्जत थी और हमेशा हुज्जत रहेंगी। जो कोई अहमदी उन किताबों को हुज्जत नहीं मानता वो अहमदी नहीं है। वो शौक से अपने आप को अहमदी कहता तो कहता है, लेकिन वो अहमदी नहीं है जो बंदा हुज्जत नहीं मानता। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। ये जरी भाई, ये हमारा ही, ये देखें ये जमात अहमदिया मुस्लिमा का ये वतीरा है कि हम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की हर तहरीर के ऊपर स्टैंड लेते हैं। इन लोगों के सामने जैसी तहरीर को पेश की जाए ये खुद राइट साइड पर दौड़ते हैं और इमाम साहब को लेफ्ट साइड पर छोड़ देते हैं। बहरहाल ये ज़िया रसूल साहब, आपको मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, और वो ये है कि क्या आपने कुरान पाक की ये आयत पहले पढ़ी थी कि जिसमें चले जी आपने वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन क्या आपने ये आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला ने ये गवाही दी है कि कुफार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते थे? जी मोहतरम ज़िया रसूल साहब, आपने ये आयत कभी पढ़ी थी? आप जो है आपने इसी तरह से करना है तो फिर बेहतर है मुझे ना ही लें। एक बंदा चैलेंज करता है उस पे बात कबूल किया मैंने चैलेंज, वो अब चला गया पीछे, अब आप नया सवाल लेके आ गए। पहले मुझे जरी साहब से बात करने दें। वो इन्होंने ना हमारा प्रोग्राम, असल में इनका रहता है कि प्रोग्राम किसी और तरफ चला जाए। डॉक्टर साहब आप क्यों उनको कुरान की तरफ लेके आते हैं? क्यों उनको कुरान का कहते हैं? क्यों कुरान का पढ़ने सबूत देते हैं उनको? उनका मुबारक भाई, आज का प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ज़िया रसूल साहब या उनको जो जिसने भी भेजा ये खुद आए, जैतून एफएम की क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई है और उससे ज्यादा अब होने जा रही है। डॉक्टर साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मोहतरम शेखू शेख अपना एक शेख साहब को लिंक भेजा था, उन्होंने देखा है और ये सारी टीम वहां से चेन चली है और यहां तक पहुंची है। और मजे की बात यह है, मैं अपने नाजरीन को मुबारकबाद देना चाहता हूं आज, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खुदा ताला के फजल से एक बार फिर खुदा ताला ने साबित कर दिया कि हक के सामने बातिल इस तरह जो है वो यहाँ होता है जैसे सूरज की रोशनियां यहाँ होती है। आप देखें खुदा ताला का कितना फजल हुआ है डॉक्टर साहब कि हम कुरान से इनको वो दलील उनसे मांग रहे हैं कि क्या कुरानी और इस्लामी मयार ये है, और इन्होंने मयार कौन सा पेश किया है जिस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ता है, कि इन्होंने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो खुदा ताला के बरगजीदा नबी हैं उनको गलत कहने के लिए, उनको झूठा कहने के लिए, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर कुफर नबाशत, इन्होंने गुज़िश्ता तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जो है वो उनके ऊपर गुस्ताखी कर दी है, उनकी तोहीन कर दी है और उनको सबको उसी सफ में लपेट दिया ना चाहते हुए।
और उस मियार में इनको उन्होंने इसने भेड़ दिया, इसने और सगीर ने, कि जिसका जो ईसाई हैं मुकज्जबीन और कुफार हैं और दूसरे जो लोग हैं वो बिल्कुल यही कुछ करते हैं जो ये करके गया है। इसने मियार ये पेश किया है कि जो मजनून हो, जिसको किसी ने इस तरह का फतवा दिया, उसको जो है वो मसीह मान लो, नबी मान लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अपने मुंह से साबित करते हैं कि हम कितने बड़े जाहिल हैं और कितने बड़े उसी सफ में खड़े जो है वो लोगों को बहका रहे हैं जिस सफ में तमाम नबियों के मुनकरीन खड़े थे। जी जी, जज़ाकअल्लाह मुबारक भाई। ये तो हम तो बार बार यही बात करते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम के ऊपर एतराजात क्या होते हैं। ये कुएं के मेंढकों की तरह ये बैठे हैं सिर्फ जमात अहमदिया के खिलाफ, और उसी तरह की बात आप पिछली दफा भी किसी प्रोग्राम में शायद मुबारक भाई आपने कह रहे थे कि आप आजकल जो एक्स मुस्लिम बने फिरते हैं या जो भी चैनल चला जो लाइव प्रोग्राम करते हैं, आप उनका कोई प्रोग्राम उठा के देख लें, आपको वही मिलते जुलते एतराजात मिलेंगे जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ये ज़ियार रसूल जैसे लोग करते हैं, कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपको सॉरी एक बात और बता दूं, मैंने आज 10 दिन हो गए हैं, मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे की थी, वहां पे ये एस ए चौधरी साहब जो भी आए थे, इन्होंने आके गालियां लिखी और बदजबानी की, और मैंने इसको जवाब में लिखा कि क्या आप कुरान से मेरे ऊपर मेरे साथ बात करेंगे कुरानी दलाइल से कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, हम उससे कुरान से परख लेते हैं। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकता जो इसने गलाजत उगली है वहां पे, और 10 दिन हो गए मुसलसल ये गालियां लिख रहा है, और मैं 10 दिन से मुसलसल ये लिख रहा हूं कि कुरान के बुरहान से क्या हम सच्चाई पर बात कर सकते हैं, और यकीन जानिए खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इसने एक मैसेज में भी ये नहीं कहा कि मैं कुरान से बात करता हूं, एक मैसेज, एक सिंगल मैसेज में सौ गालियों के कुछ नहीं लिखा। मुबारक भाई, वो कुरान भी क्या उसको क्या पता बेचारे को, आप सवाल भी तो करो ना, जेड़ा होता कोई उसे जो उसका उसको क्या पता कुरान क्या होता है, आपको पता नहीं किस तरह के ये। नाज़रीन प्यारे भाइयों, आपको हम तो बार बार ये कहते हैं ये वो जाहिल मुतलक लोग हैं जिनको खुदा ने कभी ये लगता है कि ये तौफीक ही नहीं दी कि इस्लाम के ऊपर लगने वाले जो इतराजात हैं उनके कभी जवाब दें। हम चूंकि जवाब देते हैं, हमें पता है इस्लाम के ऊपर किस तरह के एतराजात होते हैं, और जब ये उसी तरह का एतराज जमात अहमदिया पे करते हैं, जब ये उसी तरह का एतराज हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर करते हैं, तो हम इनको आईना दिखाते हैं, फिर इनको गुस्सा चढ़ जाता है। हैं जी, चले वापस चलते हैं जी आज के प्रोग्राम की तरफ। सारे दोस्त जो हैं वो ठंडा पानी पिए,